आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में कोरोना मरीजों की अनदेखी के चलते संक्रमण की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। शुक्रवार को मनगवा निवासी एक बुजुर्ग संक्रमित जिला अस्पताल से लेकर संजय गांधी अस्पताल तक भटकता रहा। इधर अस्पताल के कोविड वार्ड के बाहर एक सस्पेक्टेड मरीज ने दम तोड़ दिया। मामला रीवा के संजय गांधी अस्पताल का है, जहां कोरोना को लेकर भारी अव्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि संजय गांधी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था होने के बावजूद संक्रमित बुजुर्ग मरीज 2 घंटे तक वार्ड में दाखिल होने के लिए मशक्कत करता रहा। तो वहीं सिरमौर के खैरहान गांव निवासी 35 साल के युवक की मौत हो गई है। चिकित्सकों के अनुसार रिपोर्ट निगेटिव आई थी। शुगर की बीमारी के इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इधर रीवा जिले में कोरोना अपडेट की बात करें तो शुक्रवार की शाम आई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब 26 नए केस मिले हैं। रीवा जिले में अब तक मरीजों का आंकड़ा 1957 हो गया है। माना जा रहा है कि यदि यही रफ्तार रही तो यह आंकड़ा आज 2000 के पार हो जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को 19 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं, जबकि जिले में वर्तमान एक्टिव केस महज 250 ही बचे हैं। बता दें कि शुक्रवार को 690 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 26 लोग संक्रमित मिले, जिसमें शहर में 9 और रायपुर करचुलियान में 7 केस मिले हैं। We'll be right back.